गाइस, माय सेल्फ निशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट बाय निशिका। होप यू ऑल आर गुड। सो टुडेज टॉपिक इज हाउ वी कैन ड्रॉ अ पोर्ट्रेट फेस इन कलर। बेसिकली बहुत सारे लोग पोर्ट्रेट ड्रॉ तो कर लेते हैं, बट उनका जो रेफरेंसिव फेस होता है वो मैच नहीं कर रहा होता है। सो इसी से रिलेटेड मैं आपको आज कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, यूज़ ग्रिड मेथड फॉर आउटलाइन। जब तक आप एग्जैक्ट आउटलाइन नहीं ड्रॉ कर लेते, तब तक आपको इसमें थोड़ी सी पेशेंस और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप ग्रिड मेथड का यूज़ करें, बिकॉज फ्री हैंड स्केचिंग में आप आउटलाइन जो है वो एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते। पोर्ट्रेट के लिए कलर पेंसिल का यूज़ करूँगी, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, किसी भी आपके नियर बाय स्टेशनरी से मिल सकते हैं। ये कैमलिन के कलर पेंसिल्स हैं। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, जो भी लोकल ब्रांड से, बिकॉज अभी प्रैक्टिस के लिए अगर आप लोकल ब्रांड का यूज़ करते हैं तो आगे जाके आपकी स्किल्स और इम्प्रूव हो सकती है। अभी आपको एक्सपेंसिव कलर पेंसिल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बिगनिंग में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं आप अपनी स्किल्स को उतना इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं यहाँ आईज में चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज डार्क इफेक्ट के लिए चारकोल पेंसिल बेस्ट रहती है। टिप नंबर 2, स्टार्टिंग में आपको लाइट कलर पेंसिल का यूज़ करना है। यू कैन ऑल्सो चूज़ पिंक कलर फॉर आईज, देन आई एम यूजिंग दिस लाइट ब्राउन शेड। एंड ध्यान रहे, आपको ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है, जेंटली अपने हैंड्स को मूव करना है, बिकॉज लाइट शेड यूज़ करने से एक तो आपका स्केच ख़राब नहीं होगा, एंड दूसरा आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उसे ईजिली रिमूव भी कर सकते हैं। नंबर 3, कलर पेंसिल में ब्लेंडिंग का कोई चांस नहीं होता है। आप ओनली इसमें शेडिंग और हैचिंग की हेल्प से कलर्स को मिक्स कर सकते हो। टिप नंबर 4, मैंने यहाँ सॉफ्ट पेस्टल का यूज़ किया है ताकि हम स्किन टोन को थोड़ा सा स्मूथ टेक्सचर प्रोवाइड कर सकें। सॉफ्ट पेस्टल बहुत जल्दी ईजिली ब्लेंड हो जाता है, इस वजह से हम इसे फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, जो कि बहुत ईजी होता है। टिप नंबर 5, हेयर्स में हम चारकोल पेंसिल एंड बियर्ड में भी चारकोल पेंसिल का यूज़ करेंगे। चारकोल पेंसिल का यूज़ इसलिए करेंगे बिकॉज उससे हमें थोड़ा डार्कर इफेक्ट मिलेगा, एंड हेयर्स में भी हम स्मूथ टेक्सचर ला सकते हैं। आई होप यू गाइज लाइक वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इससे आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे, एंड इसी टिप्स एंड ट्रिक्स की हेल्प से आप अपने कलर पोर्ट्रेट को ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स, एंड इसी तरीके में वीडियोज़ आपके लिए और भी लाती रहूँगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।